हेलो गाइस। तो यार आज अपन बात कर रहे हैं पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी की, जो का ये जो है एनटीए ने कंडक्ट किया था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसका राउंड, एनआईसी जो है एक इसका ऑलमोस्ट राउंड खत्म हो चुके हैं, सारे राउंड खत्म हो गए हैं, एडमिशन ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, क्लासे भी चल रही है, कुछ सीट्स अभी वैकेंट है किसी किसी कॉलेजेस के अंदर। यार सबसे पहले तो सभी को ये बता दूं कि जो भी आपको काउंसलर बोल रहा है कि आपको 10,000, 7,000, 8,000 मुझे दो तो मैं सीट दिला दूंगा, तो उसके चक्कर में आप बिल्कुल भी ना आए। अभी जो सीन चल रहा है आप डायरेक्टली कॉलेज से कांटेक्ट करें, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा होते हैं कि जस्ट अभी व्हाट्सएप पे बहुत सारे बच्चे स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर कर रहे हैं कि सर जस्ट हमसे जस्ट ये 7,500 रुपए ले लिए, और चॉइस फिलिंग जो है वो सिंपल चॉइस फिलिंग करवा देता है कि जस्ट ऐसे ऐसे कर दो, मेरे को 7,500 रुपए दे दो, 8 दे दो, 10 दे दो, 18 दे दो, ठीक है? तो यार ऐसा मतलब बहुत बहुत ही ज्यादा हो रहा है रिगार्डिंग जैसे पीटीयू कपूरथला के लिए, स्पेशली सीएस के लिए। ओके, तो सबसे पहले तो सभी को बता दूं कि ऑलमोस्ट सीएस की सीटें तो खत्म हो गई है, तो उसके चक्कर में तो ना पड़े कि अपन काउंसलर को अगर 10,000, 20,000 दे रहे हैं तो अपने को मिल जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? जो एडमिशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे होगा, ठीक है? और हाँ, यह जरूर हो सकता है कि अगर आप कॉलेज से कांटेक्ट कर ले, डायरेक्ट टीचर से अगर कांटेक्ट कर ले, वहाँ का एडमिशन के डिपार्टमेंट से अगर आप कांटेक्ट कर ले, फीस पे कर देते हैं, या फिर आप कॉलेज में विजिट करके अगर एडमिशन ले लेते हैं तब तो वो पॉसिबल है, ठीक है? लेकिन अगर आप किसी यूट्यूबर को, किसी काउंसलर को, किसी मेंटर को अगर आप पैसे दे रहे हैं 10,000, 12,000, 15,000, 18,000, वो आपको अगर बोल रहा है कि मैं तुम्हारी सीट कंफर्म करवा दूंगा, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से मेरा कांटेक्ट है, तो आप ऐसे चक्कर में बिल्कुल भी ना आए। अगर आप ऐसे पैसे अपना दे रहे हैं तो उसके सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार होंगे, और जस्ट वो पैसे वापस रिफंड भी नहीं कर रहे, ठीक है? आ रही बात समझ में? तो आप ऐसे चक्कर में बिल्कुल भी ना आए, ठीक है यार? अब जैसे पहले ही यहाँ पे 2 राउंड चले थे, और किसी किसी बच्चे को कुछ जैसे ब्रांच इलेक्ट्रिकल सिविल वगैरह मिली थी, किसी को कुछ मिला भी नहीं। तो यार अब सभी को बताना चाहूंगा कि भी जस्ट डायरेक्ट एडमिशन चल रहे हैं, ठीक है? आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। अब ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है कि आप डायरेक्टली कॉलेज वालों को कॉल करने लग जाए तो आपका वो कॉल कैसे उठाएंगे, तो वो वाला प्रोसेस भी नहीं है यार। अभी जस्ट डायरेक्ट का मतलब या तो आप विजिट करें यूनिवर्सिटी में, या फिर किसी एक कोलेबोरेशन से, एक टीचर वगैरह से, व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेजेस करें, जैसे भी कांटेक्ट नंबर प्रोवाइडेड है, ठीक है? तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल जिन बच्चों को मैकेनिकल के अंदर इंटरेस्ट है उनका जैसे डायरेक्टली एडमिशन चल रहा है, ठीक है? अब ऐसा भी नहीं है कि तुमको बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स डायरेक्टली दे देंगे, ठीक है? हम तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं देता फ्री ऑफ कोर्स डायरेक्टली इस टाइम के अंदर, क्योंकि ये महासंग्राम टाइम चल रहा है, ठीक है? तो अगर किसी को एडमिशन चाहिए तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है या कॉल कर सकता है, ठीक है? दिस इज माय नंबर 8209441638। यार मैं तो साफ साफ बोल रहा हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देता मैं, ठीक है? ओके, समझ रहे हो? और जस्ट अगर अपन बात करते हैं इसके प्लेसमेंट वगैरह की, तो यार ये जो कॉलेजेस है एनआईटी के लेवल का कॉलेजेस माना जाता है इसके मेन कैंपस को भी, और इसके मेन कैंपस के पास एमओयू प्रोग्राम भी है। अगर आप 2 साल यूनिवर्सिटी में पढ़े, 2 साल बाहर इंटरनेशनल जाके भी पढ़ सकते हैं, MRSP2 के पास भी जस्ट एमओयू प्रोग्राम है, वहाँ पे भी कुछ सीट्स बची हुई है, उसके लिए भी आप जस्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ मैं, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो जो बच्चे जस्ट ऐसे ही जस्ट टाइम खराब करने के लिए होते हैं वो बिल्कुल भी कॉन्टेक्ट ना करें। ओके, एंड प्रेजेंट टाइम दिस मोमेंट इज वेरी वेरी सीरियस मोमेंट। यूजीसी, AICTE जो भी है उसकी गाइडलाइन है कि एटलीस्ट यूनिवर्सिटियाँ जो अपना जो भी ये चल रहा है एडमिशन सीरीज, एटलीस्ट 20, 22, 25 तारीख तक क्लोज कर दे सारा सीन। ओके, और ऑलमोस्ट ये 5 तारीख को शायद जो रीप राजस्थान है उसका तो 5 तारीख तक शायद उन सबको इन्फॉर्मेशन देनी होगी कॉलेजों की, हमारे पास इतनी सारी सीट बढ़ चुकी है, उसके बाद कोई भी एडमिशन नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर भी वैसे एडमिशन तो चलता रहता है। ओके, तो यू कैन गेट एडमिशन नाउ। ओके बच्चा पार्टी, तो यार जिसको भी एडमिशन चाहिए वो व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, फ्री वाला सीन चला गया। ओके, तो जो बच्चे जिन बच्चों के अच्छे परसेंटाइल है बहुत अच्छी बात है, उनका भी नहीं हो पाएगा, जिन बच्चों के बहुत कम परसेंटाइल है वो भी बहुत अच्छी बात है, उनका भी नहीं हो पाएगा। ओके, तो जस्ट यार IK गुजराल में भी डायरेक्ट एडमिशन चल रहे हैं, MRSPTU में डायरेक्ट चल रहे हैं, रीप राजस्थान में डायरेक्ट होने वाले हैं, जेक चंडीगढ़ का अलॉटमेंट आने वाला है, जेक जेक चंडीगढ़ का 20 तारीख तक, सॉरी एक्सटेंड हो चुका है, तो उसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है अभी। तो
तो यार जो भी है अपने हिसाब से एडमिशन ले ले, अभी कॉलेज सिक्योर कर ले, सीट्स वगैरह ज़्यादा वेकेंट नहीं है कॉलेजों के अंदर। ओके, तो सीएस के भी कुछ सीट्स पड़े हैं मेरे पास, जिसको सीएस के अंदर एडमिशन चाहिए आईके गुजराल के अंदर, वो कांटेक्ट कर सकता है। मैकेनिकल में मिल सकता है, इलेक्ट्रिकल में मिल सकता है, सिविल में मिल सकता है। और यार जिसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीट चाहिए एकदम टॉप लेवल के अंदर, तो यार ये एक कॉलेज है जिसके अंदर हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी चार्ज नहीं लेते। ओके, दिस इज माई गुड कॉलेजेज PSAEC पटियाला। ओके, तो यू कैन गेट एडमिशन नाउ PSAEC। यार दिस इज प्रोवाइड इन एरोस्पेस एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बिकॉज आई वॉन्ट टू अपग्रेड। ठीक है, हमें देश को आगे बढ़ाना है मिलिट्री एयरक्राफ्ट पाकिस्तान चचा वगैरह से बचने के लिए, ताकि तुम लोग एरोप्लेन वगैरह बना सको, मिसाइल वगैरह बना सको। ठीक है, तो इसको जस्ट हम क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए इसके अंदर आप लोगों का सभी का सहयोग कर रहे हैं। जिसको भी एडमिशन चाहिए डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकता है कॉलेज से। ओके, तो डायरेक्टली हो जाएगा यार, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ओके, जिसको भी एडमिशन चाहिए इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, हमारा व्हाट्सएप नंबर 24 आवर्स चालू रहता है, कभी भी आप मैसेज कॉल कर सकते हैं रिगार्डिंग एडमिशन के। और यहाँ पर भी बहुत सारी फैकल्टी का मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है वेबसाइट पे। दिस इज फुल्ली गवर्नमेंट, फुल्ली फुल्ली गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज एंड दिस इज सिचुएटेड इन मिलिट्री बेस, इंडियन आर्मी कैंपस, इंडियन एयरफोर्स कैंपस, इंडियन NDA कैंपस। तो यार बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज है ऐसे कैंपसेस के अंदर, अगर तुम्हें इंटरेस्ट है रियल में एरोस्पेस एरोनॉटिकल एयरलाइंस इंडस्ट्री, तो यू कैन गेट एडमिशन नाउ इजी इन पंजाब स्टेट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, पंजाब का फर्स्ट एरोनॉटिकल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है यार। और तो फर्स्ट पंजाब के अंदर नहीं है, LPU है, चंडीगढ़ है, ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो आई थिंक बहुत बहुत ही अच्छा कॉलेज है ये। ओके, तो आपको अगर आईके गुजराल वगैरह में एडमिशन चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या डायरेक्टली एडमिशन चल रहा है अभी डायरेक्ट कंफर्म करा देते हैं अगर तुम्हें मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल किसी में भी चाहिए तो। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, हैव नाइस डे, बाय बाय।